हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। सो आज संडे है बट आज सुबह मैं राइड पे नहीं गया एंड पीछे आप देख ही सकते हो कि दो दो जिक्सर रखी हुई है। अब ये लाल वाला जिक्सर किसका है उसका खुलासा भी मैं नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसका जो ओनर है ना उसने अभी खुलासा करने से मना किया है। एनीवेज आज का जो वीडियो रहेगा उसमें मैं तो पहले 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 जो काम है वो है कि जिक्सर को साफ करना पड़ेगा क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने जिक्सर चलाया था तब संडे था, मतलब आज भी संडे, लास्ट संडे को चलाया था शाम के टाइम में जब एक शूट पर मैं गया था। प्रीवियस वाला व्लॉग अगर आप लोगों ने देखा देना वो पता रहेगा कि उस वाले वीडियो में मैंने लास्ट टाइम जिक्सर को चलाया था, उसके बाद से वहीं पर है वो। एंड इतना काम का प्रेशर है ना, फिर मुझे टाइम नहीं मिला जिक्सर निकालने का, तो गंदी भी है तो उसको थोड़ा सा साफ करना पड़ेगा। तो अभी चलो घर के पीछे साइड चलते हैं बैकयार्ड में जाकर, पहले तो उसको क्लीन करते हैं उसके बाद देखेंगे, बस ढाबे पर जाएंगे क्योंकि ढाबे का जो काम है वो ऑलमोस्ट बहुत हद तक 80% तक खत्म हो चुका है। तो आप लोगों को दिखा देंगे कि अभी कैसा लग रहा है ढाबा, क्योंकि लास्ट टाइम आप लोगों ने जब देखा था तब उतना खास कुछ था नहीं, अभी तो बहुत हद तक काम हो चुका है। तो चलो फटाफट जिक्सर को लेके चलते हैं पीछे के साइड में एंड उसको एक दमदार शाबाश देते हैं। चलो तो गाइज अभी कंडीशन देख लो जिक्सी का, पूरा इसका बैक साइड जो है पूरा एकदम कीचड़ कीचड़ है एंड इसको बहुत ही अच्छे तरीके से साफ करना पड़ेगा अभी। चलो लेके चलते हैं पीछे के साइड में। ओके पहले तो वार्म अप कर लेते हैं इसको पहले। सो गाइस है रही जिक्सी है रही थार, दोनों एक साथ। चलो थार को क्लीन करने में थोड़ा सा मतलब टाइम लगता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है एंड बाइक तो चलो इजीली वॉश हो जाती है। हे बाइक वॉश करना है, जाओ जल्दी जल्दी पाइप लगाओ, जाओ फटाफट। और थार यहाँ पर यार इसका एक प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, वो है कि यहाँ पर पानी जम जाता है हमेशा। चलो अच्छा है कि कल रात को मतलब बारिश नहीं हुआ, नहीं तो यहाँ पर पूरा पानी जम जाता है हमेशा। तो एक दिक्कत है कन्वर्टेबल के साथ। क्या हुआ? खुल गया। शिट यार। ऑलराइट गाइज, तो बाइक तो पूरा मैंने क्लीन कर लिया एंड इसी बीच मैंने एक रील भी बना लिया है। जस्ट हम लोग थोड़ा पास आकर फोकस करके दिखाता हूँ मैं। ए, ज्यादा क्यों कर रहे हो, ज्यादा मत करो।
तो गाइस देखा कितना अमेजिंग है रील मैंने बनाया। तो जितने सारे रील्स हो या पिक्चर्स हो सब मेरे इंस्टाग्राम में अपलोड होते हैं। बाइकर बॉय जाहिर नाम है, अभी स्क्रीन के यहाँ पर आ रहा है नाम एंड डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो ज़रूर से फॉलो करना। चलो अभी बाइक तो क्लीन हो चुकी है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या करते हैं। गाइस बाइक तो अभी क्लीन हो चुका है बट आप लोगों को मिलवाते हैं गेस्ट से जो अभी बिंदास यहाँ पर सो रहे हैं। हे भैया, भैया गुड मॉर्निंग भैया, अभी फटाफट गुड आफ्टरनून हो जाएगा, जल्दी उठो यार। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस। गाइस को क्या सरप्राइज दे दे या बाद में? बाद में। अच्छा बाद में, बाद में। अरे उठो यार उठो, ए क्या कर रहा है आदमी। अच्छा चलो चलो सो जाओ, चलो सो जाओ। भाई लोग हमको थोड़ा सपोर्ट कर दे ना। जरूर सपोर्ट करेगा यार, सब लोग करते है ना, BMW राइडर हीरो। अभी तुम एक काम करो ना, सर रखो, सर रखो रखो, सर इधर आग बंद करो, चलो गुड नाइट। ऑलराइट गाइस, सो अभी लाइक 11:30 बज रहे हैं एंड चलो अभी थार लेके जाएंगे, बट बाइक तो यहाँ पर रखी हुई है, सूख चुका है ना पूरा। इसको थोड़ा आगे करो, चलो फटाफट आगे 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 करो। बस 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 छोड़ दो। गाइज यार इतना ज्यादा गर्मी है ना यार, क्या बोलो। फटाफट विंटर सीजन आ जाए फिर मजा आएगा, क्योंकि समर सीजन में ना बाइक लेकर निकल नहीं पाते, दिन के टाइम में शाम के टाइम में निकलना पड़ता है, तो विंटर सीजन में बाइक राइड करके सबसे ज्यादा मजा आता है। तो चलो अभी फटाफट निकलते हैं एंड चलते हैं ढाबे पे, ढाबे में कितना काम हुआ वो दिखाते हैं आप लोगों को, ठीक है। बहुत हद तक काम हो चुका है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा हम लोगों का जो कॉन्सेप्ट है, कुछ कंसेप्चुअल चीज हम लोगों ने उस ढाबे पे किया है, तो आई होप कि आप लोगों को पसंद आएगा। चलो निकलते हैं एंड यस लेट्स स्टार्ट। गाइस मैं अभी आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर एक डिवाइडर है, ठीक है, एंड आपके पास है थार, आपको टेंशन लेने का कोई बात नहीं। देखो जस्ट हैव अ लुक केयरफुली, ये थार है थार, ओके। कैसा लगा, कैसा लगा? इसलिए बोलता हूँ कि अगर आपके पास थार है ना, तो रोड का जरूरत नहीं है, आप कहीं पर भी इसको लेके चले जाओ। एंड ये रहा ढाबा, ठीक है, अपना ढाबा, अपना महफिल। तो चलो फटाफट कार को करते पार्किंग में एंड निकलते। चलो सो गाइस अभी मैं ढाबे के सामने हूँ एंड सामने है हाईवे, तो इसलिए बहुत शोर शराबा हो रहा है, प्लीज इग्नोर। चलो मैं आप लोगों को ना अपना ढाबे का मेन गेट का जो हैंडल है उसको दिखाता हूँ, क्योंकि आने के टाइम में मैंने आप लोगों को बोला था कि इसमें थोड़ा सा हम लोगों ने एंटीक चीज किए हैं, थोड़ा सा यूनिक कुछ चीजें हम लोगों ने इसमें लगाए। तो चलो स्टार्टिंग करते हैं मेन गेट के हैंडल से। सो गाइस जस्ट हैव अ लुक एट द हैंडल, ओके। ये रहा अपना मेन गेट का हैंडल जो एक एक्स है, अभी पूरा कंप्लीट तरीके से फिक्स नहीं हुआ है, अभी ये मतलब कंप्लीट होगा, बट कुछ इस तरीके से दिखता है हैंडल। तो ये रहा मेन गेट का हैंडल, यहाँ पर एक ग्लास लग जाएगा, ट्रांसपेरेंट ग्लास। तो ये रहा मेन गेट का हैंडल। तो ओए खोल ले, बंद हो गया यार। तो इसको इस तरीके से खोला जाता है एंड नॉट ओनली दिस गाइज, यहाँ पर भी आप लोग देख लो, ये भी एक हैंडल है। तो ये जो है ये रेंज है एक्चुअली, इधर भी रेंज है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो ये बैरल्स है, पिछले एक ब्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि यहाँ पर बैरल का डिजाइन रहेगा, तो ये पेंट नहीं हुआ है, कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर बैरल का जो थीम है वो कुछ इस तरीके से लगेगा। एंड अभी अंदर में पेंट का काम चल रहा है, सीलिंग हो गया, वॉल हो गया, सब पेंट का काम चल रहा है यहाँ पे। ऑलराइट गाइस, तो अभी लाइक 1:30 बजे यहाँ पर 1.5 घंटा था एंड थोड़ा सा पेंट का काम कुछ हो गया है। एंड अभी एक्चुअली मुझे जाना पड़ेगा, घर नहाना पड़ेगा, लंच करना पड़ेगा, फिर से आना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वॉल है काउंटर वॉल, इसमें लगेगा वॉलपेपर, तो उसका जो वर्कर है जो फिक्स करने आएगा वो आ जाएगा 3 बजे, तो 3 बजे फिर से आना पड़ेगा। तो मैं अभी चलता हूँ घर, आप लोगों के लिए तो सिर्फ 1 सेकेंड का टाइम लगेगा, 1 सेकेंड ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, तो चलो 1 सेकेंड में फिर से मिलते हैं। और ये रहा गाइज 1 सेकेंड का ट्रांसफॉर्मेशन। तो एनीवेज अभी टाइम हो रहे 3:30, तो यहाँ से अराउंड 1:30 बजे निकला था एंड अभी 3:30 बज रहे, लंच वगैरह सब कुछ हो गया, नहा धो लिया, घर जाकर थोड़ा सा रेस्ट भी ले लिया एंड अभी आ चुका है वॉलपेपर जो लगने वाला है इस वाले वॉल पर। लेट मी जस्ट शो यू द वॉलपेपर,
तो ये रहा 3D वॉलपेपर जो इस वाले वॉल पर लगेगा, ठीक है। एंड अभी लेके आए हैं डिजायर। सो गाइज फाइनली ये वॉल एंड वो वॉल दोनों वॉल फिनिश हो चुका है। इसमें लगा घास का कारपेट एंड उधर वॉलपेपर स्टोन का। तो चलो अभी घर की तरफ चलते हैं एंड आज के लिए काम खत्म होता है यहाँ पर। ऑलराइट गाइज, तो अभी मैं घर की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि आज मेरा एक स्कूल फ्रेंड, मतलब स्कूल टाइम फ्रेंड जिसका नाम है सरफराज, बहुत ही अच्छा मेरा दोस्त है। मतलब स्कूल टाइम जो था ना, मतलब क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक 12 साल हम लोगों ने एक साथ ही गुजारा। तो बहुत ही अच्छा मेरा एक दोस्त है, उसका आज इंगेजमेंट है। फाइनली मेरा भाई का शादी होने वाला है, आज इंगेजमेंट है। तो अभी जाएंगे फटाफट घर एंड घर जाकर फिर तैयार होंगे। तो चलो चलते हैं घर जाकर फटाफट तैयार होते एंड जाते भाई की इंगेजमेंट पे। चलो सो गाइस, चलो आ चुका हूँ घर, अभी फटाफट तैयार होते हैं क्योंकि टाइम नहीं है। एंड यस, भाई का आज इंगेजमेंट है तो बहुत ही मैं खुश हूँ क्योंकि उसका तो इंगेजमेंट है ही है, और भी जितने सारे मेरे स्कूल टाइम के फ्रेंड्स हैं उनसे मुलाकात होगा। एंड मेरे साथ अभी जाने वाला है मेरा और एक दोस्त अनिशुल। तो चलो फटाफट तैयार होते, आप सबसे मैं मिलता हूँ गाड़ी में, ठीक है। एंड आज यस थार लेके आने वाला हूँ तो बहुत मस्ती होगा, तो आप लोग बने रहो। एंड चलो आप सबसे मिलता हूँ मैं गाड़ी में, ओके। चलो लेट्स गो। तो गाइस चलो फाइनली मेरा दोस्त अनिशुल आ चुका है, तो ही इज माय स्कूल टाइम फ्रेंड। बहुत दिनों के बाद मुलाकात हो रहा है भाई से। तो अभी हम दोनों गाड़ी में हैं और देखते कोई बंदा अगर उठता है तो उठेगा। तो अभी पहले हम लोग जाएंगे सरफराज के घर में जिसका आज एक्चुअली इंगेजमेंट है। तो चलो पास ही में चलते, उसके बाद तो जाएंगे वेन्यू में, फिर जाकर खाना वाना खाएंगे, एंजॉय करेंगे। और भाई 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 मेरा बहुत ही जिगरी दोस्त है, बहुत पुराना दोस्त है, ठीक है। चलो आप लोग बने रहो, एंजॉय करो, अभी भी वीडियो बाकी है। इंगेजमेंट में आगे अनिशुल भाई, कबीर भाई, सब स्कूल के फ्रेंड्स हैं। और इधर हम लोगों का भाई सरफराज पोज दे रहे अपने होने वाली बीवी के साथ। गाइस तो अभी घर आ चुका हूँ एंड टाइम हो रहे हैं 11:30, 11:30 बज रहे, घर आ चुका हूँ। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद दोस्त लोगों के साथ मुलाकात हुआ। एंड मेरे तरफ से मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू माय ब्रो सरफराज। तो यस, चलो आज का वीडियो यहीं तक था, रात हो चुका है, अभी चेंज करेंगे उसके बाद सो जाएंगे। फिर मिलते हैं दूसरे एक वीडियो में। होप सो यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो, मेक श्योर टू लाइक कमेंट, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना, मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। यहाँ पर आ रहा है इंस्टाग्राम का नेम बाइकर बॉयज आई, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, टिल देन बी सेफ एंड राइट सेफ गाइस, खुदा हाफिज़, गुड नाइट।